राजस्थान में कभी भी तीसरे मोर्चे की सरकार नहीं बन पाई। पिछले 30 साल से भी लगातार भाजपा या कांग्रेस पार्टी की सरकारें बनती आ रही है। हालांकि इस बार तीसरे धड़े की 5 पार्टियां 50 से ज्यादा सीटों पर खेल बिगाड़ सकती है। इनकी चुनौती को देखते हुए सियासी गलियारों में थर्ड फ्रंट बनने की चर्चा है। आम आदमी पार्टी, बीएसपी, आरएलपी, भारतीय आदिवासी पार्टी, माकपा और एमआईएमआईएम जैसी पार्टियों के नेता तो 100 से ज्यादा सीटों पर टक्कर बता रहे हैं, लेकिन थर्ड फ्रंट के दावे कितने मजबूत है? क्या थर्ड फ्रंट की पार्टियां इस बार राजस्थान में किंग मेकर साबित होगी? ये हमारी टीम ने नेताओं से बात कर जाना कि उनकी क्या तैयारी है। राजस्थान में इस बार आरएलपी सबसे चर्चित थर्ड फ्रंट पार्टी के रूप में नजर आ रही है। पिछले चुनाव में बीजेपी को समर्थन देने वाली आरएलपी ने इस बार अपने पत्ते नहीं खोले। 2018 में नई पार्टी आरएलपी ने पिछली बार 58 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से 3 सीटें जीती थी। वहीं 7 सीटों पर पार्टी के प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे थे, मगर इस बार पार्टी का गणित कुछ अलग है। इस बार आरएलपी 2 अलग अलग संभावनाओं पर चल रही है। पार्टी पदाधिकारियों का मानना है कि अगर किसी छोटी या किसी तीसरे मोर्चे की पार्टी से गठबंधन होता है तो ठीक है, नहीं तो वो सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पुखराज गर्ग बताते हैं कि लगभग 55 सीटें ऐसी है जहां आरएलपी की मजबूत तैयारी है। इनमें खास तौर से पश्चिमी राजस्थान की सीटें हैं। उन्होंने बताया कि आरएलपी का फोकस खास तौर पर जाट बाहुल्य सीटों पर है। जाट बाहुल्य इलाकों में पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती आई है। वह भारतीय ट्राइबल पार्टी से टूटकर बनी भारतीय आदिवासी पार्टी यानी कि बाप इस बार राजस्थान के आदिवासी इलाकों में गहरा प्रभाव भी डाल सकती है। पार्टी ने अपनी तैयारियां मजबूत कर ली है। वहीं बहुजन समाज पार्टी पिछले 30 साल से राजस्थान में थर्ड फ्रंट के तौर पर सबसे सफल पार्टी रही। बीएसपी ने पिछले चुनाव में भी थर्ड फ्रंट के रूप में सबसे ज्यादा 6 सीटें जीती थी, मगर उसके सभी 6 विधायक चुनाव जीतते कांग्रेस में शामिल हो गए। इस बार भी बीएसपी अपनी मजबूत दावेदारी थर्ड फ्रंट के रूप में पेश कर रही है। वहीं पिछले चुनाव में 140 सीटों पर लड़ने वाली आम आदमी पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी, लेकिन नेशनल पार्टी बनने के बाद मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है। लगभग 1.5 साल से पार्टी राजस्थान में सक्रिय है। हालांकि इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के कारण राजस्थान में पार्टी चुनाव लड़ेगी या नहीं और किस तरह लड़ेगी ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज। राजस्थान की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें डीपीके न्यूज।